साहस सरोकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर दौरा, जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और गाजियाबाद में जनसभा करेंगे। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, बोले युवाओं को टैबलेट देकर सक्षम बनाया गया। अखिलेश यादव का 3 दिवसीय कर्नाटक दौरा, कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। 3 दिवसीय दौरे के बीच 5 जनसभाएं करेंगे। गाजीपुर में सपाइयों ने दिया धरना, फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए दिया धरना, पुलिस ने हिरासत में लिया। आगरा में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ संपन्न, हर गतिविधि पर रही प्रशासन की पैनी नजर। आगरा में कुल 40-38% मतदान हुआ। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में जिला कारागार के सामने बीएसए ग्राउंड में बीजेपी द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले एक पार्टी विशेष के लोगों के हाथ में तमंचे होते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली जाती थी, अब नगरों को स्मार्ट सिटी की तरह बनाया जा रहा है। अब युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं है, उसकी जगह 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट फ्री में देकर उन्हें सक्षम बनाने का काम किया जा रहा है। पहले भी कहा, विकास सबका करेंगे, चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं। उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा उसको शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन हम किसी का तुष्टिकरण नहीं करेंगे। 2017 के पहले एक पार्टी विशेष के लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली की जाती थी। आज मैं कह सकता हूं 17 के बाद नगरों में कूड़े के ढेर नहीं, बल्कि हमारे नगर भी स्मार्ट सिटी के रूप में आगे विकसित होते जा रहे हैं। संभल जनपद में 3 नगरपालिका और 5 नगर पंचायतों समेत 8 सीटों पर चुनाव हुआ। वहीं चुनाव 5 बजे तक 53% होने की पुष्टि जिलाधिकारी मनीष बंसल ने की है। चुनाव में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई, शांतिपूर्वक मतदान संभल में कराया गया है। वहीं जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि मतदान के बाद बॉक्सों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के साथ जमा कराया जाएगा। जनपद संभल में कहीं भी कोई घटना नहीं घटी है जिससे चुनाव प्रभावित हो। सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट निगरानी में चुनाव संपन्न कराया गया है। फर्जी वोट डालने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जांच की जा रही है। सर, आज निकाय चुनाव है और जब आपकी जो कानून व्यवस्था है उस पर सर और आज सब जगह सूचनाएं भी आई, तो क्या कहना है? देखिए, सभी पूरे जनपद के 8 निकायों में लगभग 6 बज चुके हैं, चुनाव की अवधि समाप्त हो चुकी है। जहाँ जहाँ पर वोटर्स अब कहीं लाइन में है उनका भी अंतिम वोट डलवाया जा रहा है और इसके बाद सभी पार्टीज़ को और उनके साथ बैलेट बॉक्सेस को पर्याप्त सुरक्षा फोर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कराया जाएगा और पूरा जनपद में कहीं पर भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी है जिससे कि चुनाव की निष्पक्षता या शांति व्यवस्था पर कोई भी समस्या खड़ी हो। सब जगह पर बहुत ही पर्याप्त पुलिस फोर्स और देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चुनाव जो है वो बिल्कुल निष्पक्षता से हो और पीस, जो शांति व्यवस्था है वो कायम रहे। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति किसी वास्तविक मतदाता के आइडेंटिटी को धारण करते हुए फर्जी वोटिंग ना करे और जो वास्तविक वोटर्स हैं वही वोटिंग करें, उसी चीज़ की चेकिंग की जा रही है। लगातार लोगों की पहचान को मिलाने का कार्य भी किया जा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह है, बड़ी संख्या में सुबह से ही लोग वोट कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि एकदम शांतिपूर्वक तरीके से पूरा मतदान कंप्लीट हो। सर, चंदोसी के एफआर इंटर कॉलेज पे भी आपने चेक किया, सर यहाँ क्या स्थिति आपको मिली है? देखिए, सुबह से काफी भीड़।
खबर गाजीपुर से है, जहां सपा प्रत्याशी दिनेश यादव समेत कई सपा नेताओं ने सदर कोतवाली में धरना दिया। पुलिस द्वारा सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में धरना दिया। शहर के एक मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान धरना देने पर पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। सपा कार्यकर्ताओं ने शहर के सेंट लूदर्स कॉन्वेंट कॉलेज के पोलिंग स्टेशन के सामने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए धरना दिया था। हंगामा होते देख पुलिस ने धरना दे रहे सपा कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया था और सदर कोतवाली ले आई, जिसके विरोध में सपा प्रत्याशी दिनेश यादव और सपा नेताओं ने कोतवाली पहुंचकर धरना शुरू कर दिया। सूचना पर सपा विधायक जय किशुन शाहू भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अफसरों ने धरना खत्म कराया। दिनेश जी, आज आप धरने पर बैठे हो, क्या क्या जरूरत पड़ी धरना बैठने की? सुबह से ही लगातार कोतवाल के द्वारा मेरे बूथ प्रभारी, मेरे सेक्टर प्रभारी, मेरे नेताओं को उठाकर जबरदस्ती बंद किया जा रहा है। हम लोगों ने आया पूछने, हमारे आमिर भाई जिला के सचिव, मीडिया के प्रभारी, हमें स्वयं के प्रत्याशी, तो कोतवाल हम लोग के साथ बदतमीजी किया, कह रहा है तुम लोग भी बैठ जाओ, तुम लोग उठा के बंद कर दो, चलो बंद करो। इसलिए मैं धरना पर बैठा। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक कोतवाल तीन दिन से मेरे कार्यकर्ताओं को, सुरेश यादव था उसको नजर बंद कर दिए, प्रदीप पासवान था, और वही जो उनके खिलाफ आरएयू है उनको छोड़ा हुआ है। दोहरी राजनीति चल रही है, ये चुनाव हार रहे हैं, चुनाव लूट लूटा जा रहा है। विवेक अभी अभी मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि लूडर कॉन्वेंट्स के बूथ पर जो मतदान करने जा रहे हैं लोग, जिसमें चार लोग पकड़े गए, उनका आधार कार्ड जनपद बलिया का है। वो लूदर कॉन्वेंट्स गाजीपुर नगर पालिका परिषद गाजीपुर में वोट देना चाहते थे। यह कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, इसको मेरे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है और उसको कोतवाल सदर। कन्नौज छिबरा मऊ नगर में सभी पार्टी के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी तेजी से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने मुद्दे गिना रहे हैं। वहीं समाज सेवी और पूर्व चेयरमैन राजीव दुबे ने भी नगर के बहबलपुर और कई मोहल्लों में जाकर जनसंपर्क किया और जनता से वोट और सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी से राजीव दुबे ने चुनाव लड़ा था और छिबरा मऊ की जनता ने भारी मतों से नगर पालिका अध्यक्ष बनाया था। इस बार राजीव दुबे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। इस बार देखना यह होगा कि राजीव दुबे को जनता का कितना सहयोग मिलेगा। आज वार्ड संख्या 2 पटेल नगर और वार्ड 13 हर्ष नगर, ये बहबलपुर जो है उसके अंतर्गत आते हैं और बिशुनपुर हासिलपुर के नाम से भी ये फेमस है। तो उसी के ये दोनों वार्डों में सभी वर्गों में हर व्यक्ति के साथ घर पर जा करके जनसंपर्क करने का प्रयास किया। ये जनता का चुनाव है और जनता के बीच में लड़ा जाता है और मतदाता तो ये चाहते हैं कि उनके साथ में जो कोई रहेगा उसी को वोट करेंगे और हमने यही काल पिछले समय में किया है। पिछला जो 5 साल का हमारा कार्यकाल रहा उसमें 2.5 साल हालांकि कोरोना काल था, उस कोरोना। औरैया नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराए जाने के लिए जुटा रहा, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां भी एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। गुरुवार को शहर के एक गेस्ट हाउस में भाजपा की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य गीता शाक ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद ही क्षेत्र का विकास होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे ने कहा कि 11 मई को होने वाले मतदान में सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। उन्होंने कहा कि औरैया से नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी राजकुमार दुबे को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में कमल खिल रहा है। दुबे, क्या नाम है? राजकुमार दुबे। राजकुमार दुबे का चुनाव, मैं तो पहले मुझे लगता था कि शायद चुनाव अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तो बाहर रहती हूँ, मुझे पता चलता है कि औरैया का चुनाव दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। आज से यहाँ मेरे ओबी समाज, ओबीसी समाज के सभी भाइयों से मैं आग्रह करती हूँ कि जहाँ भी आप तो मेले ही
नगर निगम चुनाव में कड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ और शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रही। आगरा में 38-40% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं आगरा में जो पहली बार वोटर्स थे उनसे प्राइम टीवी ने खास बातचीत की। नए वोटरों का कहना था कि हमने पहली बार अपने मत का उपयोग किया है, हमारे क्षेत्र में जो जन समस्याएं बनी हुई है इसी को देखते हुए हमने अपने प्रत्याशी को चुना है जो जीतने के बाद हमारे क्षेत्र की जन समस्याओं का समाधान करा सके। आप अपना नाम बताइए। अंतिमा। आज आप मतदान करने गए थे, पूरा नाम बता दीजिए। कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? मैंने क्या कहते हैं बीजेपी के कार्य को काल को देखते हुए उनके उसको कार्य को देखते हुए वोट दिया। तो आगे क्या ऐसी क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको लेकर आपने वोट किया है? आपके क्षेत्र में कौन पार्षद थे और आप किसको चुना है आपने? ये मेरा खुद का डिसीजन है मैंने किसको चुना है। आपका नाम बता दीजिए। फेरी बेगम। आप आज में पहली बार आपने वोट किया है, क्या मन में था, कैसा लग रहा है आपको पहली बार वोट करने के लिए? अच्छा लग रहा है, वोट दिया है तो मतलब एक वोट की वैल्यू होती है, दैट्स व्हाई वोट दिया है। एक वोट से पार्टी चेंज भी हो सकती है, पार्टी के जो सभ्यकर्ता जो भी हैं वो चेंज हो सकते हैं, नगर निगम जैसे कि समस्या है जो भी जो सॉल्व हो सकती है, दैट्स व्हाई वी आर वोटिंग। क्या मन में था वोट डालने में और किसको वोट दिया आपने? बीजेपी को ही, वो बीजेपी को नहीं हाथी पे ही डाला है। हाथी को जी 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 परिचय को दीजिए अपना। जी मेरा नाम मधु शिवरे है, मैं नाइकी मंडी में रहती हूँ। आप आज वोट किया है आपने, क्या मन में था, क्या ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आपने आज वोट किया है? जी बस यही है कि हमारे देश का विकास हो और जो गरीब जनता है उसको भी ध्यान दिया जाए और बाकी मीडियम फैमिली वर्ग के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, महंगाई इतनी हो रही है, उस विषय पे भी सरकार ध्यान दे और नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। क्या कहेंगे, किस मतलब किस पार्टी को चुना है, कुछ ऐसा वो तो मौजूदा सरकार या कोई और? नहीं, सरकार तो अपना काम कर। हर्षद कुरैशी नाम है, पंटोला डोलीगार का निवासी हूँ। आज आपने पहली बार मतदान किया है, कौन से वार्ड से है, क्या उम्मीद लेकर किया, क्या? वार्ड 15 डोलीगार से हूँ और मैंने भाजपा की जो विकास की नीति है उससे प्रभावित होकर भाजपा के पक्ष में वोट किया है। पहली बार आपने वोट दिया है और भाजपा की बात करना, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, क्या कहेंगे? मैंने इस वजह से दिया है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि भाजपा की केंद्र में भी सरकार है और स्टेट में भी सरकार है, तो अब मेरा जो क्षेत्र है उसमें विकास होगा। क्या उम्मीद है कि प्रत्याशी जीतने के बाद आपके क्षेत्र में विकास कराएंगे? प्रत्याशी ने हम लोगों से वादे किए हैं और परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम रिंकी धाकड़ है। आपने आज पहली बार वोट किया है, मतदान किया है, कैसा लग रहा है आपको पहली बार में? मुझे वोट देके बहुत खुशी हो रही है, जैसे कि ऐसा फेस्टिवल मतलब इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, हर किसी को सेलिब्रेट करना चाहिए इसको। किन मुद्दों को लेकर वोट, क्या सोच थी मन में जब वोट करने गए आप, पहली बार आपने वोट किया है, क्या ऐसी मन में बात की? ये है कि मतलब सारा मतलब अपने सेफ्टी हो, मतलब सारा कानून व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए, हमारा मतलब गर्ल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सबसे पहले तो चाइल्ड को, जो गर्ल्स चाइल्ड है उनको और पढ़ाई को और सारा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रेशमा है। आप अभी वोट डालने आए हो, क्या मन में क्या सोचकर वोट किया है? हम तो बस यही चाहते हैं कि अच्छा नेता होना चाहिए, कि हमारी सुविधाएं जो भी यानी हम चाहते हैं बस वही करें। ये है कि मोहब्बत और इखलाक होए पूरी दुनिया के अंदर, बस यही होना चाहिए। दिलों के यानी नफरतें मिट जाएं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।